नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ओमती थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है जहां बहू रहनुमा बानो ने घर में फांसी लगा ली। पति अमजद राइन जब घर आया तो आवाज दी, जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखा तो पत्नी रहनुमा बानो फांसी पर लटकी हुई थी। अजमत राइन ने शोर कर घर वालों को बुलाया। परिवार के सदस्यों ने फांसी के फंदे पर झूल रही बहू रहनुमा बानो को नीचे उतार कर पुलिस को बिना सूचना दिए सिटी मार्बल अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने जांच कर रहनुमा बानो को मृत घोषित कर दिया। अजमत राइन के परिजन मृतिका के शव को घर ले आए। सूत्रों ने थाने को सूचना दी, इस पर वापस उसी अस्पताल में रहनुमा बानो का ससुराल पक्ष मृतिका के शव को लेकर गया। रहनुमा बानो के परिजनों को घटना की सूचना दी गई। शाम 7 बजे के लगभग सिटी मॉर्वल अस्पताल में मृतिका के परिजन पहुंच गए, जहां मृतिका रहनुमा बानो के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए पुलिस से न्याय की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा। वहीं मृतिका के मामा असलम राइन दमोह मध्य प्रदेश ने बताया कि उनकी भांजी रहनुमा बानो की शादी 2019 को शौकत राइन के यहाँ अजमत राइन से मुस्लिम रीति रिवाज से की गई थी। अजमत राइन आए दिन रहनुमा बानो से विवाद करते हुए उसे प्रताड़ित करते थे। ससुराल पक्ष उसे ताने मारकर प्रताड़ित करते थे, जिससे मृतिका रहनुमा बानो ने आज मौत को गले लगा लिया। थाना ओमती पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए घटना की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल रेफर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बहू ने जो है बच्चे लोग जो है इंजेक्शन लगवाने गए, उनने कमरे में जो है अंदर से जो है दरवाज़ा लगा के फांसी के फंदे में लटक गई। क्या नाम है उनका? उनका रहनुमा बानो। शादी कब हुई? शादी करीब 2019 में हुई थी। क्या कुछ समझ में आया, कुछ बात है यार? वो समझ ही नहीं आया कुछ, उनने अंदर से दरवाज़ा लगा के और फांसी के फंदे में झूल गई थी। जब एक घंटे बाद जब वो बच्चे लोग इंजेक्शन लगवा के आए तो जो है फिर जब उसका पति गया अंदर कमरे में, देखा तो वो फिर दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ के जब देखा अंदर तो वो लटकी रही। फिर आप लोग अस्पताल ले गए? फिर जो है हम लोगों ने उनको उतार के एम्बुलेंस बुला के उनको अस्पताल लेके आए यहाँ। करीब कितने बजे की घटना हुई? करीब ये मतलब 4 बजे करीब की घटना है। कौन से अस्पताल आए? ये मार्बल सिटी। आपका नाम? मोहम्मद शौकत। कहाँ रहते हैं आप? बड़ी ओमती 2480 वालों के पीछे। बताइए क्या बताइए, अगर लड़की ने फांसी लगाई है तो लड़की को क्या उतार के ले आएंगे क्या? हैं, इनने लड़की को मार के टांग दिया है, समझे? आप कौन है? मैं लड़की का मामा हूँ। मैं देर में दमोह से हूँ। मैं आपको सूचना मिली? हमको 5 बजे सूचना मिली है। और घर का इनके कोई भी सदस्य नहीं है, ना लड़की है, ना लेडीज है, ना कोई नहीं है, ना देवर है, ना सास है। कहाँ शादी हुई थी आपकी बेटी की? जबलपुर में। इस जगह पे शौकत सेठ के यहाँ पे हुई थी। बहुत बड़े पैसे वाले हैं, लड़की वाले भी कम पैसे वाले नहीं है। आपका नाम बताओ। और ये बताइए, आप लेकर आए हैं तो पुलिस वालों ने ये भी नहीं, अभी घर तक चेक नहीं किया कि घर में जाएं तो थोड़ा चेक करें कि भाई क्या है क्या नहीं है? आप तो लड़की को टाल लिया, बोले फांसी पे लगा दिया उसको। अरे मार के टांग दिया भाई। किन कारणों से हुआ है ये? भी टॉर्चर करते थे इनके घर वाले सब ना? जी बताएं, जी बताएं। इनकी बहू, इनकी सास, इनके ससुर सब टॉर्चर करते थे बच्ची को। देवर तक टॉर्चर करता था बच्ची को, जलाया तक था। इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी बच्ची, जबकि बहुत बीकॉम पढ़ी लिखी मोड़ी है। इतना बड़ा कदम ऐसे ही नहीं उठाती। लोगों ने मारा है बच्ची के लाने, और फ़ोन तक नहीं लगा दिया घर पे का। फ़ोन लगा दे दमो, बात करके हम ले जाएं बच्ची को। और जैसे ही उनके ससुर बच्ची के का कुछ भी नहीं बोले, बच्चे के माँ बाप नहीं बोले कुछ, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। और कोई बात करने को तैयार नहीं है उनके, ना माँ है, ना बाप, ना बापा है उनकी, ना कोई। आए भी हैं तो शैतानों की तरह खड़े हैं, कुछ बात करने को तैयार नहीं है। बेटी की शादी कब हुई थी? हमारी 2019 की बात। आपका नाम है? मोहम्मद असलम राय। कौन है आपकी? मेरी भांजी है सर। एक औरत है रहनुमा बानो करके, उनकी शादी मोहम्मद अजमत
अपने नए मोहल्ला में सौगत सीट के बच्चे हैं, उनके साथ 2019 में हुई थी। आज दिनांक को शाम 5:30 बजे करीबन हमारे थाने में सूचना हुई, उस बच्चे ने फांसी लगा था, तो आत्महत्या कर ली है। इसकी बार इंटीमेशन थाने में कर दी गई और उनको ये लोग हॉस्पिटल ले आए थे इलाज के लिए कि हो सकता है जिंदा हो। अभी यहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे अभी रखी हुई है। चूँकि रात हो गई है, नवविवाहिता का मैटर है, तो इसमें इसकी जाँच माननीय SDM महोदय या तहसीलदार महोदय करेंगे। तो रात में ऐसा प्रावधान है कि जांच नहीं होती, इस कारण से डेड बॉडी अभी रखी। उनके परिजन आए हैं, आक्रोशित हैं, बाकी शांतिपूर्ण है। उसकी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, जो नवविवाहिता के संबंध में जो निर्देश है और जो शासन की प्रक्रिया है, उसका पालन किया जा रहा है। सर, डॉक्टरों ने पुलिस को कब सूचना दी? पुलिस को शाम के 5:30 बजे 6 बजे के आसपास सूचना मिली थी और उन्हें इंटीमेशन कराया हुआ। सर, इनका आरोप है कि बिना पुलिस को सूचना दिए ये बॉडी को घर ले गया, ऐसा इनका नहीं? ये आरोप इनका ठीक है, पर चूँकि उनका यह कहना था कि अब फांसी लगी थी, तो प्रथम दृष्टया ये था कि हॉस्पिटल ले जाए कि क्या पोजीशन है, इसलिए उतार करके ले आए थे, उनका ये कहना है। और इनका आरोप ऐसा है कि उस आरोप की जांच की जा रही हो, तो PM में सब क्लियर हो जाएगा, एंटीमार्टम रिपोर्ट पास करना, तो PM रिपोर्ट भी क्लियर होता है।